किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो आपके मानसून में काफ़ी काम आएंगे। तो देखिए किस तरीके से हैं वो टिप्स। हमारी पहली किचन टिप्स है आलू को लेके। तो जब भी हम बारिश में आलू खरीदें, कम मात्रा में खरीदें। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में खरीद लिए हैं तो उनमें फफूंद लगने का काफ़ी डर रहता है, तो उन्हें इस ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर उनको सीधी हवा लगे और जहाँ पे नमी ना हो। और दूसरी टिप है आलू से लेकर ही, तो इसमें आप डाल दें इस तरीके से 1-2 लहसुन के गाँठें, तो इससे भी आपके आलू हैं वो फ्रेश रहेंगे, फिर दिन तक चल जाएंगे। अगली टिप है लहसुन को लेकर। अक्सर हम सब्जी में जब भी लहसुन डालते हैं तो इस तरीके से कूट के डालते हैं, तो हमारा लहसुन है वो बाहर उछल उछल के बार बार बाहर जाता है, तो बाहर ना जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा 1 पिंच के लगभग नमक इस तरीके से। उसके बाद हम इसे कूट लेंगे, तो हमारा लहसुन है बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा और आसानी से हम इसे कूट पाएंगे और जल्दी से हमारा लहसुन है वो कूट जाएगा। अगली टिप है लाल मिर्च पाउडर को लेकर। जब भी हम लाल मिर्च पाउडर खरीदें तो कम मात्रा में खरीदें बारिश के मौसम में। अगर ज़्यादा भी खरीद लिया है तो इसमें डाल दें आप इस तरीके से 2-3 लौंग और अच्छे से कर दें इनको मिक्स, ताकि इनमें कोई भी गाँठें ना पड़े। तो इन लौंग को कर देते हैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स। अगर आपके पास लौंग नहीं है तो साबुत जो हींग के टुकड़े भी डाल सकते हैं, तो उससे भी आपकी लाल मिर्च है वो फ्रेश रहेगी। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आपकी लाल मिर्च पाउडर काफ़ी दिनों तक अच्छा रहेगा। बारिश के मौसम में या फिर जब भी हम ज़्यादा दाल चावल ले लेते हैं तो उनमें काफ़ी सारे कीड़े पड़ जाते हैं, तो जब भी आप दाल चावल लें उन्हें अच्छे तरीके से कागज़ पर या फिर थाले में रख के अच्छे से सुखा लें। जब एकदम अच्छे से सूख जाएं उसके बाद ही इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरें। साथ ही ना हो तो आप कढ़ाई या माइक्रोवेव में भी अच्छे से सुखा सकते हैं। तो अगर दाल को आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो आप इसे इस तरीके से, एक मैंने ये ली है दालचीनी की स्टिक, तो इसको इस तरीके से हम डाल देते हैं। तो ये मेरी 2 से 3 महीने पुरानी दाल है, तो इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी दाल में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे और काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश रहेगी। तरीके से जब भी आपको चावल को स्टोर करना हो तो चावल में आप या तो तेज़पत्ता डाल दें या फिर आप 2-4 लौंग डाल दें, जितने चावल की क्वांटिटी हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप सूखे नीम की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और फिर इनको रखेंगे तो आपके चावल हैं काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। सर बारिश के टाइम में नमक हमारा सील जाता है और वो अच्छे से निकल नहीं पाता जब हम उसे निकालते हैं, तो उसको सील से बचाने के लिए आप ले इस थोड़े से चावल के दाने और डाल दें नमक में इस तरीके से, और फिर लगा दें इसकी कैप। और उसके बाद अगर आप नमक निकालेंगे तो नमक आपका आसानी से निकल जाएगा और उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से अच्छे से आपका नमक निकल जाएगा। फिर आप कंटेनर में से नमक, चीनी, मिश्री जो भी निकालें तो हमेशा सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें, इससे आपकी चीनी में नमी या नमक में नमी बिल्कुल नहीं आएगी और आपकी एकदम साफ रहेगी। इसमें आप चाहें तो इस तरीके से, मैंने भी इसमें लौंग डाले हुए हैं तो आप डाल दें, इससे आपके चीनी में चीटियां भी बिल्कुल नहीं आएंगी। हमारी अगली टिप है चाय पत्ती को लेकर। तो अक्सर हम जब चाय बनाते हैं तो इस तरीके से जब चाय पत्ती बचती है तो इसे हम फेंक देते हैं। इसे फेंकने की बजाय इसे एक बार अच्छे से पानी से धो लें छलने में ही, ताकि इसमें जो मीठा हो वो निकल जाए। उसके बाद इस चाय पत्ते को आप डालें अपने घर के पेड़ पौधों में, तो वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खाद का काम करेगा। साथ ही अगर आपके घर में गुलाब के पौधे हैं तो आप उनमें ज़रूर यूज करें, तो इससे वो पौधे काफ़ी जल्दी ग्रोथ करेंगे। भी आप ज़्यादा मात्रा में खड़े मसाले जिस तरीके से साबुत लौंग, धनिया, सौंफ या फिर इलायची, जो भी खड़े मसाले हों इनको स्टोर करना हो तो हल्का सा इनको रोस्ट कर ले या फिर इन्हें धूप में सुखा ले अच्छी तरीके से। जब ये सूख जाएं तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर के रख के, इससे ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे और इनमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। I'm not afraid of the dark.